मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो, आज हम लोग क्या करने वाले भैया? इससे पहले जो है, आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे। हाँ जी। अब उस फॉर्मूला पे सवाल बनाने के लिए सिखाई, जस्ट लाइक हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखे थे। कौन कौन सा फॉर्मूला? जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या सीखे थे भैया? इसका फॉर्मूला सीखे थे कि माइनस बाहर आ जाता, लेकिन इसमें कुछ अपवाद था। कौन कौन सा अपवाद? कॉस का था, सेक का था और कॉट का था। इसमें अगर माइनस बाहर आएगा तो आगे में पाई भी लगेगा। जस्ट लाइक इसी का देख लेते, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आगे में ये माइनस तो बाहर आएगा, ये माइनस तो हमारा बहुत प्यारा सा भैया है, ये तो बाहर आएगा नहीं आएगा। माइनस अंदर में था, यहाँ माइनस बाहर में आ गया। लेकिन कॉस मेरा अपवाद के सेंस में आता, तो यहाँ पर मेरा पाई भी लग जाएगा। सेम वही सेंस आपका कॉट में आएगा, कॉट में भी सेम आपको वही करना है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस तो बाहर आएगा कॉट इनवर्स से, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना कि माइनस बाहर आने के साथ साथ इसमें पाई भी लग जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। सेम हाल आपका सेक में भी होगा। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं, इस पर आप कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो बोलोगे भैया ध्यान देना है यहाँ पर। हाँ जी। आप ये बताओ, साइन वर्स माइनस कॉस में हल्का सा माइनस साइन एक्स, इसका क्या रिजल्ट होगा? पहले खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत प्यारा प्यारा सा। पहले सोचो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर आप इसको कैसे बनाओ? इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई मतलब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, कोशिश करना है ये साइन का टर्म हट जाए। ठीक है जी। चलो आप सोचो क्या करोगे इसमें, जो आपका ये बन जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग। हाँ जी, दिमाग। और ध्यान रखना, आपकी गलतियां मैंने देखी कि आपको जो है आपको जो यहाँ पर इनवर्स, किसी में आप इनवर्स देते हो, किसी में आप इनवर्स नहीं देते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है छोटे। चल आगे देखो, जल्दी बना इसको भैया। बनाते हैं इसमें नाराज क्यों होती है? सब बना डालेंगे यहाँ पर, जितना क्वेश्चन आप लिखे हो ना, ये सारा क्वेश्चन बना डालेंगे हम। आप बस नाराज ना हो। अरे नाराज कहाँ हो रहा हूँ, आप बस बनाओ तो सही, आप बस बनाओ तो सही। चलो इसको बना के दिखाओ। बन गया होगा टोटल। बनाने के बाद, खुद से ट्राई करने के बाद, तब जा करके आपको सॉल्यूशन को देखना है। चलो अब आप सोचोगे, बोलोगे भैया हम जो बनाए ना, हम सोच रहे थे ये साइन इनवर्स और ये साइन एक साथ मिल जाएगा, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का रिजल्ट डायरेक्ट एक्स आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ। जब माइनस लगा हुआ तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की जगह पर ये टर्म आ गया। इस डिब्बे को समझो, ये एक्स दिया हुआ, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला क्या होता? ये माइनस वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो माइनस का टर्म बाहर कर लिए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। एक्स की जगह पर क्या है? एक्स की जगह पर हमारा है साइन एक्स। सिंपल सा हम इस फॉर्मूले का उपयोग यहां पर किए, जो कि हम कल पढ़े हुए फॉर्मूले को। अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये कैंसल सिर्फ और सिर्फ एक्स बच जाएगा। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। चलो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर निकालेंगे। चलो भाई माइनस बाहर निकल जाओ, माइनस साइन इनवर्स, लेकिन एक्स के स्थान पर ये साइन एक्स। सोचो, कल्पना करो, समझ रहे हो ना, कल्पना करने का विचार भी। ये तो बहुत हल्का हल्का सवाल है, सवाल ही नहीं है ये, ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं, ध्यान में रखना। चलो
ये माइनस बाहर हो गया, यहाँ पर साइन एक्स। अब ये देखो यहाँ पर माइनस साइन वर्स और ये साइन आपस में कैंसिल होगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन आपका है, लेकिन यहाँ पर आइडिया थोड़ा चेंज है। ये माइनस तो बाहर आएगा, क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि भैया यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, हमको माइनस नहीं चाहिए क्योंकि दोनों का चेहरा मिलाना है, बीच में माइनस का दीवार आ गया, तो इस माइनस को बाहर हटाना है, तो माइनस को अंदर से बाहर निकाल देना है। लेकिन ये अपवाद वाले में नहीं आ रहा, जो कि पाए लगेगा यहाँ पर कॉस एक्स आ गया। अब आप बोलोगे भैया ये साइन इनवर्स और ये कॉस एक्स, चेहरा तो ना मिलत है, तब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? सिंप्लीफाई तो होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सब में बगल में जहां फॉर्मूले को यूज किया वहां पर फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज किए तो यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला यूज किए तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, अगर यहाँ पर आप सोचो कि भैया हम माइनस तो बाहर कर लिए, लेकिन यहाँ कॉस एक्स है, इस कॉस का चेहरा साइन की तरह लाएंगे, तब ना मेरा साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट होगा। हाँ जी, अब करे तो करे का, इस कॉस को किस प्रकार साइन में चेंज करे? तो आप सोचोगे भैया आप हमको बताए थे क्या, कुछ दोस्त के बारे में बताए थे, एक सीधा साधा दोस्त हुआ करता था, एक उल्टा खोपड़ी का दोस्त हुआ करता था, दो तरह का दोस्त था, और हम हमेशा पसंद किया करते हैं सीधे साधे वाले दोस्त को। सही बात है क्या? सीधे वाले दोस्त में जो है साइन और कॉस आता था आपका, फिर साइन, हाँ जी, फिर कोसेक और सेक आता था, अगेन टेन और कॉट आता था। इसमें तो कोई समस्याएं नहीं होंगे। और उल्टा वाले दोस्त में कौन कौन? साइन और कोसेक आता था। ये हम लोग स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं और इस ग्रुप को तो याद कर लिए होंगे हम लोग, ये उल्टा दोस्त कौन है, सीधा दोस्त कौन है, बस आपको मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक, आपके दिमाग में आ जाए, बस मैं यही सोच रहा हूँ, और आपके दिमाग में आना भी चाहिए सारी चीजें। टेन कोट दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ देखो कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज करना, सीधे दोस्त के पास जाओगे या फिर उल्टे दोस्त के पास जाओगे? तो आप बोलोगे भैया साइन, मतलब इस कॉस को हमको साइन में चेंज करना ना, कॉस और साइन, ये तो सीधा दोस्त का कॉम्बिनेशन है, कॉस का और साइन का, मतलब हम लोग सीधे दोस्त के पास जाएंगे, कॉस को साइन में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो कॉस एक्स है, ये चेंज साइन में तभी होगा, साइन में तभी चेंज होगा जब इसको हम पाई बाय टू में घटाएंगे और एक्स, ऐसे हम लोग बनाए हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता। यहाँ पर उल्टा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, बात को समझ रहे हो? हम लोग ऐसा बनाए हैं ना, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स ऐसा तो हम लोग बनाए हैं। हाँ जी, पाई बाय टू माइनस एक्स है, ये किस चतुर्थांश में आएगा? यहाँ पाई बाय टू है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा पाई बाय टू माइनस एक्स। अब पाई बाय टू में चेंज होता, साइन का चेंज हमारा कॉस में हो जाएगा, साइन का चेंज कॉस में, साइन का दोस्त कॉस है सीधा में, तो साइन का चेंज कॉस में हो गया, अगेन ये एक्स का एक्स हो गया, कोई तकलीफ, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता तो यहाँ मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई थ्योरी तकलीफ नहीं है। अभी हम लोग ऐसे सीखे थे लेकिन फॉर्मूला ऐसे यूज कर रहे हैं, उल्टा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। देखो भाई, यहाँ पर अगर आप ये सोचोगे भैया ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर आप आगे के सवाल को नहीं बना पाओगे। तो आप अपने अंदर सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, समझ रहे हो? कभी बोर मत हो, अगर यहाँ पर आप बोर फील करोगे फिर आगे आप समझ ही नहीं पाओगे, तो सारा ध्यान आप यहाँ पर लगाओ भाई, ठीक। तब यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स के जगह पर ये टर्म तो पुट कर सकते हैं। हाँ भैया, यही टर्म हम लोग पुट करेंगे, तो चलिए हम इस टर्म को पुट कर लेते हैं। क्या टर्म है? साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। ला 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 ला,
कॉस एक्स की जगह पर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो आप, छोटी लो बड़ी लो कोई सा ब्रैकेट लो कोई बात नहीं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अच्छा जी ये बात है। हाँ जी, अब ये साइन इनवर्स आप साइन इनवर्स देना मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन ये आपस में कैंसल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ ये टर्म से बचा, तो माइनस का माइनस ये टर्म कैंसल आउट, तो पाई बाय टू माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर ये दो टर्म है, हाँ जी आ गया माइनस लगा हुआ, इसको सिंपलीफाई करना है तो कर लो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, चेहरा नहीं मिल रहा, चेहरा नहीं मिल रहा तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस पाई बाय टू, यहाँ माइनस दोनों का चेहरा मिल रहा, माइनस और माइनस जब चेहरा मिलेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस एक्स ये आपका आंसर हुआ। कितना प्यारा आंसर था, मजा आ गया होगा आपको। हाँ जी ये सब आप बनाओ, खुद से बनाओ, ट्राई करो, बनता है कि नहीं बनता, बनेगा आपसे, ट्राई कर रहे हो आप, इसको पहले बनाओ तो अपने से, इस दोनों को अपने से बनाओ, जल्दी जल्दी हल्दी हल्दी दोनों को अपने से बनाओ और ट्राई करो भैया, हमसे बनेगा, आपने ट्राई कर लिया होगा। हाँ जी वीडियो पॉज और इस दोनों को ट्राई करो, ट्राई हुआ ट्राई हो गया, चलो हम लोग अब, आप सोच रहा हूं मैं कि आपका ट्राई हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान पूर्वक ट्राई आप करके तब बनाओगे, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है जी। चलो यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स है, मतलब माइनस को हटाना है क्योंकि टेन इनवर्स और टेन लाना तब ना कैंसल आउट होगा, हाँ जी, तो माइनस बाहर। लेकिन आप बोलोगे भैया क्या ये अपवाद में आ रहा टेन, तो बोलोगे ना ना ये अपवाद में कहाँ आता, अपवाद में तो सिर्फ कौन कौन आता, कॉस सेक और कॉट आता, तो आगे में पाय नहीं लगेगा, यहां तक में समस्याएं नहीं है। अगेन यहाँ पर ये टेन इनवर्स और टेन चेहरा मिल गया, मेहनत ही नहीं करना, ये कैंसल आउट, बचा सिर्फ एक्स और बाहर में माइनस है तो माइनस हो गया, सिंपलीफाई हुआ, कितना आसान था, सबसे हलवा। अगेन यहाँ पर इसको भी सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है, हाँ जी, तो यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ माइनस आ गया, पहले माइनस के झंझट को हटा डालना है, तो जब अंदर का माइनस को बाहर ला देंगे, हाँ भैया अंदर का माइनस को बाहर लेते हैं, लेकिन मन में ये भी सोचना है कि क्या कॉट मेरा अपवाद में आता, हाँ जी अपवाद में आता, कॉस सेक और कॉट, इसका मतलब यहाँ पाई लग जाएगा, तो पाई माइनस, लेकिन हो गया क्या, यहाँ पर तो टेन इनवर्स है भैया जी, सब में फॉर्मूला लिख रहे हैं कोने में, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए, हम लोग फॉर्मूला यूज किए कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, माइनस को बाहर निकाले माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन ये फॉर्मूले में आ रहा था, अपवाद में आ रहा था, तो आगे में पाई लगा देंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, हाँ जी। चलो अब यहाँ पर आपको सोचना, क्या सोचना भैया, हम तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिए, लेकिन भैया जी यहाँ पर तो कॉट इनवर्स एक्स है, सिर्फ कॉट इनवर्स है, यहाँ पर टेन है, दोनों का मुखड़ा मिलेगा तब ना ये आपस में कैंसल आउट होगा, करें तो करें क्या, तो टेन को कॉट में चेंज करना, अगर ये सीधे दोस्त में आता होगा तब जाकर के वो पाई बाय टू का फॉर्मूला लगाना, अगर ये सीधे दोस्त के कैटेगरी में नहीं आता होगा तो नहीं लगाना है, तो देखो क्या टेन और कॉट सीधे दोस्त में आता, तब ना टेन कॉट में चेंज होगा, तो टेन कोट सीधे दोस्त में आता है, इसका मतलब ये चेंज हो सकता है पाई बाय टू से, मतलब इसको पाई बाय टू के रूप में लिखो ये चेंज होगा, तो लिखते हैं हम लोग टेन को कोट में चेंज करना, इस टेन एक्स को हमको जो है कोट में चेंज करना, तो आराम से हम लोग उसको पाई बाय टू में घटाएंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, सोचो आप कोट पाई बाय टू माइनस एक्स क्या रिजल्ट आ सकता, तो आप बोलोगे भैया पाई बाय टू में चेंज होता, तो कॉट का चेंज टेन में हो गया, तो टेन एक्स हो गया, अब फिर सोचोगे आप क्या ये माइनस होगा या फिर प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस है तो फर्स्ट में गया, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, बोलो मेरे साथ ऑल पॉजिटिव, हाँ जी तो सब पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स, तो दिमाग में ये बैठा लेना, क्या बैठाना है,
इस एक्स में अगर हम लोग पाई बाय टू माइनस एक्स इसके जगह पर एक्स के जगह पर एक्स को हम लोग पाई बाय टू में घटाएंगे। सोचो अभी से दिमाग में बैठा इस चीज को, बार बार समझाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस बात को दिमाग में डालो, ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। अगर एक्स के जगह पर हम लोग एक्स को पाई बाय टू में घटा दें तो टेन अपने सीधे दोस्तों में कन्वर्ट हो जाता। तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या किए, पाई बाय टू माइनस एक्स लिख लिए, तो टेन अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे दोस्त में, ऑल टाइम रिमेम्बर, याद रखना है। तो टेन जो है अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो गया, मतलब अगर ऐसा रहेगा साइन एक्स, इसको हमको कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे दोस्त में कन्वर्ट करना है, इस एक्स के जगह पर लिख देंगे, एक्स को घटा डालना है पाई बाय टू में, तो ये साइन जो है अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन अगर ऐसा रहेगा सेक एक्स, इसको भी अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट करना है, मतलब सेक का सीधा दोस्त कौन होता है, कोसेक होता है, अगेन इसको कोसेक में कन्वर्ट करना। तो एक्स की जगह पर हम लोग लिख देंगे, एक्स को घटाना है भैया जी पाई बाय टू में, ये सेक आपका आपके सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक। ऐसा तो हम लोग काफी बना है कि पाई बाय टू में चेंज होता तो कोसेक का सेक होगा सेक एक्स। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में जा रहा तो ऑल पॉजिटिव, ऐसा तो बहुत सारा बना है। हाँ जी बहुत सारा, भर भर के बनाया है ऐसा। अगर अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, अगर रहेगा कॉस एक्स तो क्या करेंगे, तो कॉस एक्स है तो कॉस को अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट करना, कॉस का सीधा दोस्त साइन होता है, तो एक्स में क्या करेंगे पाई बाय टू में एक्स को घटा देंगे। हाँ जी इस एक्स को पाई बाय टू में घटा डालेंगे तो ये कॉस आपका सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई समस्याएं, कोई परेशानी, कोई कुछ ना, कुछ होगा ही नहीं समस्या आपको। अगर कॉस एक एक्स है तो क्या करेंगे, इस एक्स को जो है हम लोग पाई बाय टू में घटाएंगे, जैसे ही घटेगा ये कॉसेक मेरा सेक में चेंज हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। तो यहां पर आपका क्या हुआ, ये टेन को कॉट में चेंज करना था, अपने सीधे दोस्त में चेंज करना था, तो हम लोग एक्स को पाई बाय टू में घटाएंगे तो ये टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। चलिए जी, और ये फॉर्मूला हम लोग बगल में लिख लेंगे, ये कहाँ से किए, इसी पे आपको मार्क्स समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आप खुद से बनाए हो, तो ये करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिए जी इसको सॉल्व किया जाए, ये कॉट इनवर्स है, ये कॉट आपस में कैंसल आउट हुआ, पहले पाई का पाई माइनस का माइनस, ये कैंसल आउट, तो ये टाटा बाय बाय, इसके अलावा ये कैंसिल हो चुका है, इसको नहीं लिखना, ठीक है जी। बस ये पाई बाय टू माइनस एक्स, ये कोष्ट में है, बिना कोष्ट का लिखोगे तो गलती हो जाएगा क्योंकि आगे में माइनस लगा है। हाँ जी अब देखो पाई माइनस, यहाँ पर पाई बाय टू माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ चेहरा मिल रहा तो प्लस हुआ, यहाँ चेहरा नहीं मिल रहा, यहाँ प्लस छिपा हुआ तो माइनस हो गया। अब देखो बन तो गया पाई माइनस पाई बाय टू, आता है ना पाई माइनस पाई बाय टू सॉल्व करने। एक बात, आपका भिन्न का घटाव गलती क्यों होता है, इस तरह घटाव गलती करोगे शर्म नहीं आएगा। हाँ जी देखो यहाँ पर 1 - 2/3 है तो कैसे सॉल्व करना है, इसको सीखो, सीख लो सीख लो सीख लो, जहां तक संभव होगा मैं तो हेल्प करूंगा ही। अब देखो 1 माइनस कर रहे हैं ना, नीचे में आपका एक छिका छिपा हुआ है, तो 1 और 3 का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम 3 हो गया। देखो कमियां है, कमियां होती ही है दूर करने के लिए। अगर इसमें आपकी मतलब आपको समझने में नहीं आ रहा कि लग रहा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब जान रहे हो कि मेरे अंदर ये कमी है तो कमी इसलिए है कि आप उसको दूर करो, तो दूर करो ना, मैं हेल्प करूंगा ना, समझने का प्रयास करो ठीक। 1 और 3 कैल्शियम 3 हुआ, हाँ जी 1 एल्शियम 3, और 1 के पारे में 3 तीन बार में आया, 3 का पारा 1 बार 3, या माइनस का माइनस 3 के पारे में 3 एक बार में आएगा, 1 का पारा 2 बार 2, 1/3, इस तरह हम लोग एल्शियम यूज करते हैं,
सेम वही फंडा यहाँ पर है, पाई माइनस पाई बाई टू है। अगर इसको नॉर्मल में करोगे कि 180 में पाई बाय टू घटाएंगे तो मतलब 180 में 90 घटाएंगे तो 90 पाई बाय टू आंसर होगा, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको भिन्न की घटाओ की तरह करना, तो आओ इसको देखते, नीचे वन छिपा हुआ, वन और टू का एलसीएम टू, वन के पावर में टू, दो बार में आता, दो का मल्टीप्लाई पाई से तो 2 पाई हो गया, माइनस का माइनस, नीचे दो के पावर में दो, एक बार में आता, एक का पहाड़ा पाया बार मतलब 1 गुना पाया पाया हो गया, 2 पाया माइनस पाया, दो आम में एक आम खा लिए तो एक आम बचेगा तो पाया बच गया पाया बटे दो। वैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि पाई माइनस पाई बाय टू, 180 डिग्री में 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री आंसर होगा, तो मेरा 90 डिग्री आंसर हुआ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होकर के आपका पाई बाय टू हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा, तत्काल आप मुझे ये बताओगे कि साइन 1/x का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताओ साइन 1/x का वैल्यू क्या होता है। ला 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 साइन 1/x क्या होता, 1/x क्या होता, ला 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 हो गया। क्या होता देखो, 1/x उल्टे में आ रहा है, इसको सीधा करना तो साइन का उल्टा दोस्त कौन होता भैया, साइन का उल्टा दोस्त कोसेक होता, तो कोसेक एक्स हो गया। वाह भैया, बहुत ही प्यारा चीज था ये। हाँ जी, ये तो प्यारा चीज है ही। अगेन यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखना आपको, साइन इनवर्स -1/cosec x, पहले इसको खुद से ट्राई करो। हाँ जी, आप इसको खुद से ट्राई करो, सोचो कैसे बनेगा। अरे तो बनेगा कैसे, मन में ये विचारो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा। हाँ जी, आप इसको खुद मन में ऐसा करो कि ये बनना चाहिए, अगर हमसे नहीं बनेगा तो ये किससे बनेगा, ये आपसे ही बनेगा, समझ रहे हो, इतना हल्का है, ये आपसे ही बनेगा। आप इसको ट्राई करो और कोशिश करो बनाने का और बनेगा ही। घबराओ मत, घबराना नहीं है भाई, इसको बना डालना है आज आपको, इस चारों को बनाओ ठीक है। ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला, साइन 1/x इक्वल टू कॉस एक एक्स, ये हम लोग सीखे हुए हैं, कॉस 1/x इक्वल टू सेक एक्स, टेन 1/x इक्वल टू कॉट एक्स, ऐसा हम लोग भर भर के फॉर्मूले को सीखे कि वो अपने उल्टे दोस्त के बराबर होता। कल ही हम लोग देखे तो देखो टेन इनवर्स, अच्छा इस सबको पहले बनाओ, आपका बनेगा तब ना मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, चलिए पहले इस सब को बना डालो, आप ट्राई करो, देखो कम से कम ये तो मन में रहेगा, नहीं बना चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो की, ऐसा तो नहीं कोई कहेगा कि ये मेहनत नहीं किया, बिना मेहनत का ये जो है सारा का सारा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कहने का मौका देना मुझे। आप मेहनत करो, भले ही नहीं बना चलो कोई बात नहीं, नहीं बना लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना, बस मुझे इसी में खुशी है कि आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो कभी ना कभी उसका फल मिलेगा ही आपको, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, याद रखना आप। चलो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स -1/cosec x, भैया करे तो करे क्या, तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स अंदर है माइनस रह गया, हम तो चाहते कि साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन आ जाए, दोनों का चेहरा मिले और कैंसल आउट हो जाए, लेकिन ये बीच में जो है दीवार का काम कर रहा है माइनस, और इस दीवार को तोड़ने के लिए मैंने आपको हथियार दिया हुआ है, उस हथियार का प्यारा सा नाम है साइन इनवर्स, अगर अंदर में दीवार आ जाए तो दीवार को बाहर निकाल देते हैं। जी ये बात समझ रहे हो ना, दीवार को बाहर ही निकाल देना है, तो दीवार मेरा बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, बस अपवाद ध्यान में रखना, कॉस सेक कॉट, कॉस को काट के सेक लेना है। हाँ जी, चलो अब क्या करना है आपको, कुछ ना करना, इस दीवार को पहले बाहर निकालो, वरना दीवार आपके सामने रहेगा ना, आप देख देख करके परेशान हो जाओगे। भैया ये बात थी, ये पहले आप बोलते तो हम दीवार को कब कब फेंक देते बाहर। चलिए हो तो गया, अब करे तो करे क्या, क्या करे भैया,
यहाँ पर वन बटे कॉस एक एक्स आ गया। अरे कुछ ना करना है आपको, वन बटे साइन मतलब यहाँ माइनस साइन इनवर्स है, अब यहाँ पर वन बटे कॉस एक एक्स है, तो ये उल्टा है ना, ऊपर नीचे है, मतलब इसको ऊपर ले जाना। अब ये अपने उल्टे दोस्त के पास जाएगा, हाँ जी, अब वन बटे कॉस एक एक्स का उल्टा दोस्त कौन होता? तो भैया उल्टा दोस्त में कॉस एक का उल्टा साइन होता। जैसे यहाँ पर उल्टा दोस्त का फॉर्मूला पुट करेंगे, कॉस एक को साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन चेहरा मिल जाएगा, जो हमको चाहिए वो हम लोग अचीव कर लेंगे। हाँ जी, तो कॉस एक को ऊपर भेजेंगे अपने उल्टे दोस्त की हेल्प से, तो कॉस एक का चेंज होगा उल्टे दोस्त में कॉस एक एक्स, आपका साइन एक्स में चेंज हुआ। ये कौन सा फॉर्मूला है भैया? ये फॉर्मूला है वन बटे कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हाँ जी, इसलिए हम लोग वन बटे कोसेक एक्स को साइन एक्स लिखे। अब तो बन गया ये साइन इनवर्स और ये साइन, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक्स, बस इतना आसानी आंसर। क्या तकलीफ, ये तो आप पहले से बनाए होगे, इसको तो आप बना लिए होगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को तो आपने बना लिया होगा, फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखो भैया, ये क्वेश्चन क्या कहता? यहाँ पर सेक इनवर्स है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। माइनस एक ऐसी दीवार है जिसको उठा के हम लोग बाहर फेंक देते, तो माइनस को बाहर फेंक दो। लेकिन मन में ये सोचो आप कि माइनस को तो बाहर निकाल लिए, क्या ये अपवाद में नहीं आ रहा ना, कॉस सेक कॉट? हाँ जी, ये अपवाद में आ रहा, इसका मतलब आगे में पाय लग जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप सोचोगे भैया यहाँ पर सेक इनवर्स है, यहाँ पर उल्टा, उल्टे भैया आ गए, उल्टे भैया को अच्छे से क्या करना, सीधा करना है। अब देखो उल्टे आदमी को सीधा करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है? यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा, पहले इस फॉर्मूले को लिखो। यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला पहले यहाँ पर आएगा, क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब यहाँ उल्टा आदमी को सीधा करना, वन बटे सेक एक्स बराबर का होता है, तो सेक का उल्टा दोस्त कौन होता? तो भैया सेक का उल्टा दोस्त होता है कॉस, तो कॉस एक्स, तो इसके जगह पर मेरा कॉस एक्स आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया अब क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे ये सेक इनवर्स और ये आपस में कैंसल आउट होगा, तो मेरा शरीर दिमाग सब कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेक इनवर्स और कॉस दोनों आ गया। अब क्या करें, कुछ ना करना। आप सोचोगे भैया सीधा दोस्त में मतलब कॉस का सीधा दोस्त कौन होता, प्यारा सा नन्हा सा, तो कॉस का सीधा फ्रेंड आपका सेक होता है। भैया ये क्या कह दिया आपने, ये तो गलती हो गया, कॉस का सीधा फ्रेंड तो सेक तो होता ही नहीं ना, तो सीधे दोस्त से बनेगा, अब कैसे बनेगा, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। देखो अब यहां से आइडिया थोड़ा चेंज, अब यहां से हम एक चीज सीखेंगे, त्रिभुज नियम। चलो यहां से टॉपिक चेंज हो रहा, चलो अपने आप को थोड़ा सा आराम दे दो, अब बस ज्यादा नहीं, 5 सेकंड का आराम दे दो, लंबी सांस ले लो और त्रिभुज नियम सीखेंगे। ठीक, अभी तक हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले को उपयोग करना सीखे थे, हम लोग ये देख रहे थे किसी तरह इसको जो है, चाहे सीधे दोस्त की हेल्प से या फिर उल्टे दोस्त की हेल्प से, हम इसको चेंज कर लें और सॉल्व कर लें, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। अब करें तो करें क्या, अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का नियम लाएंगे। ये त्रिभुज नियम क्या कहता है क्या नहीं कहता उसको देखेंगे, पहले इसको साइड कर लेते, क्या क्वेश्चन है, टेन इनवर्स माइनस टेन एक्स। अब इस त्रिभुज नियम किस प्रकार देखेंगे, बहुत प्यारे ढंग से देखेंगे, बस आपको ध्यान देना है, सुन लो, अगर सिर्फ ये त्रिभुज नियम सीख जाओगे ना,
तो अभी इससे आपका 2 से 3 सवाल ऐसा है एग्जाम में जो भी पूछा गया है, तो आपको वहां हेल्प हो जाएगा। तो सारा ध्यान यहां लगा, ठीक, बाज की तरह नजर रखनी है आपको। तो त्रिभुज में पहले त्रिभुज बना लेते हैं भैया। इसमें ये आधार है तो है, ये लंब है, अरे ये भी लंब है, ये कर्ण है। इस 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता। इसमें हम लोग फॉर्मूला भर भर के पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला भरे हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ भैया पढ़े हैं, ये फॉर्मूला भर भर के पढ़े हुए। हाँ जी, इतना पढ़े कि बोर हो गए पढ़ पढ़ के। अच्छा आप सोचो, आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आने वाला है, आपको बताना है। जस्ट लाइक ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये 2 है, ये 1 है, अच्छा शायद 2, ये 3 है। तो बताओ ये कितना होगा, कर्ण कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया कर्ण कितना होगा, कैसे बताएंगे? हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है मतलब इसका लंबाई होता है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, हो जाएगा। तो करते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते, 3 का स्क्वायर कर लेते, दोनों को जोड़ देते, मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हाँ जी, तो मेरा कर्ण का स्क्वायर निकलेगा, कर्ण नहीं निकलेगा, ध्यान में रखना। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर 9 4 13, 13 हो गया। हाँ जी, अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो हमेशा जानना स्क्वायर जो है बराबर के उस पार जाता तो ये मेरा रूट में कन्वर्ट हो जाता, कुछ इस तरह, ठीक है? तो ये स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर्ण मेरा रूट 13 निकल गया। बिल्कुल सही, बस ये निकालना आपको सीखना है भैया। ये तो हम आज जानते हैं, क्लास 6 में पढ़े। अरे जी, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी, ये x है, ये 1 है, तो ये लंब कितना होगा? तो भैया लंब कितना होगा, सिर्फ कर्ण निकालते समय इसका स्क्वायर जोड़ते, बाकी यहाँ पर कर्ण के अलावा कुछ भी लिखाएगा उसमें इसके स्क्वायर में इसको घटा देना, ठीक है जी? भैया जी, लंब बराबर क्या होगा? इस कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दिए, और इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिए, इस दोनों घटा डालना और इस पर रूट डाल देना, ऐसा भर भर के हम लोग क्वेश्चन बनाए तो लंब निकल जाएगा। सॉल्व नहीं हो रहा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस। अब सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर छोड़ देंगे। तो लंब कितना निकल गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाह भैया, मजा आ गया। अगर ये जान जाओगे ना, अभी दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ जी, दिक्कत तो ना आने देंगे आपको, चाहे उसके लिए आपकी कान क्यों ना पकड़नी पड़े, कान पकड़ पकड़ के लाल हो जाएगा, लेकिन कान छोड़ने का नहीं। अगर नहीं समझोगे तो फिर से ट्रायंगल लेंगे। हाँ भैया ट्रायंगल लीजिए ना, आप जितना ट्रायंगल लेना उतना ट्रायंगल लीजिए आप। ये एक्स है, ये 1 है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे भैया जी, मेरे सबसे प्यारे भैया जी, ये कितना होगा इसको बताइएगा ना आप। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये कितना होगा? तो यहाँ पर आप जब देखोगे, ये आपका आधार है, तो सेम वही फंडा, आधार निकालना। यहां पर कर्ण रहेगा तभी जोड़ना है स्क्वायर में। हाँ जी, आधार करना है, आधार में क्या करते, इसका कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर दिए, और इस 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ आधार है तो घटेगा, कर्ण रहेगा तभी जुटेगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट हो जाएगा। हाँ जी, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, x² x² - 1, यही इसका आधार निकला, आधार कितना निकल गया, √x² - 1। वाह भैया जी, बहुत ही मजा आ रहा है। अरे मजा आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, बहुत ही मजा आएगा, आप बस परेशान मत हो। एक और देखो, ये आपका x है, ये 1 है, ये कितना, आधार कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया आधार,
आधार में हम क्या करते, हम लोग बस यही करते कि कर्ण में, कर्ण क्या है मेरा, कर्ण है हमारा वन, वन का स्क्वायर कर लेंगे, या लंब क्या है एक्स स्क्वायर कर लेंगे। ऑल टाइम पहले कर्ण को लिखना है, दोनों को घटाएंगे और रूट कर लेंगे, तो कितना हो गया भैया, वन का स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यही आधार निकला, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, चलिए इसको हटाइए यहाँ से। अब बहुत प्यारा प्यारा, हाँ जी बहुत प्यारा प्यारा काम करना है, बहुत प्यारा प्यारा काम करना है, अरे काम करना है, काम करना है, बहुत प्यारा प्यारा काम करना है। चल इसको बताइए क्या होगा, ये एक्स है ये वन है, इस लंब का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया लंब निकालना ना, लंब निकालना, तो कर्ण क्या है वन, वन का स्क्वायर कर लीजिए, आधार क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों घटा दीजिए और रूट लगा दीजिए, तो रूट अंडर वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया। क्या कोई तकलीफ नहीं। अब पहली चीज तो सीख गए, इस तरह का ट्रायंगल का नियम सीख गए, ये ट्रायंगल आप बना लोगे नोटबुक में और उस पर हमेशा इसी को बना लेना नोटबुक में किसी चीज को, कि भैया इस ट्रायंगल में जो है कर्ण का, कर्ण बराबर होता रूट अंडर इस लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर, और लंब बराबर होता रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाएगा, और आधार का स्क्वायर होता, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये बना लोगे सब हल्का हल्का। दूसरी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो ये क्या ध्यान में रखनी, बस लाल कक्का भैया मजाक कर रहे हो क्या, लाल कक्का ध्यान में रखेंगे, अरे मजाक कहाँ करूंगा मैं। देखो ये तो इतना हलवा है ना, क्या कहूँ, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे लाल कक्का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल बटे के, ऊपर में क्या है एल बटे के, मतलब एल मतलब लंब, सुन लो मैं पहले बता देता, इसमें एल क्या है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट योर माइंड, अगर ये सब नहीं पढ़े हो पढ़ना होगा, पढ़े होगे ठीक है। एल क्या है, लंब है, और के क्या है, कर्ण है, उसके बाद एक क्या है मेरा, आधार है। देखो यहां क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, सोचो यहां ध्यान दो, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, YouTube में तो कहीं ना कहीं आपको आएगा ऐड आ जाएगा ध्यान भटकाने के लिए, और मैं कर भी क्या सकता हूं बताइए चलिए कोई बात नहीं, हमारी कुछ समस्याएं हैं जो मुझे YouTube पे पढ़ानी पड़ रही है आपको, कोई बात नहीं। यहाँ देखो L और K लंब बटे कर्ण है, हाँ जी, तो लंब बटे कर्ण क्या होता भैया, नहीं पता, तो ये वाला जो होगा ना लंब बटे कर्ण, ये आपका किस में जाएगा, ये आपका उल्टा दोस्त का काम करता, इसका होगा साइन कोसेक का ये साइन कोसेक का हो जाएगा, हाँ भैया जी, ये आपका कॉस और सेक का हो जाएगा, हाँ भैया जी, ये वाला इसका हो जाएगा। बहुत अच्छे, मजा ही आ गया आपकी बातें सुन करके, तो लंब बटे कर्ण साइन का होगा, ये साइन थीटा हो गया, बहुत खूब, इसी को उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब, तो ये किसका हो जाएगा, साइन का उल्टा दोस्त कौन होता, कोसेक का, समझ में आ रहा, ये साइन वाला हुआ उल्टे दोस्त में, ये बीच वाला किसका होगा, कॉस वाले का होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये कौन हो जाएगा, आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा हो जाएगा, अगर इसी का उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार, तो ये किसका हो जाएगा, कॉस का उल्टा भैया जी सेक होता, अगेन लंब बटे आधार, अरे यार लिखने नहीं बन रहा, टांगुन मांगुर लिखना, लंब बटे आधार टेन होगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट, हाँ जी ये सब को लिख लोगे, ये सब लिख ही लेना है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए इसमें,
हाँ जी तकलीफ आएगा भी नहीं। चल यहाँ पर ध्यान देते, ये सारी बातें समझ में आ गई। पहली बात है किस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते, हाँ जी मतलब लंब कर्ण आधार में किस प्रकार कन्वर्ट करते वो हम लोग सीख लिए, अभी बहुत सारा बनाए थे। उसके बाद हम लोग इस लाल कक्का को भी सीख लिए, जो कि आप बेसिक सा चीज है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, फिर भी हम लोग एक बार रिविजन कर लिए। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं, आ जाओ सारे भटकाए हुए ध्यान को यहाँ लेके आओ, जितना आपका ध्यान भटका है ना, सब ध्यान जितना भटका सबको यहाँ लेते आओ, और यहाँ देखो किस प्रकार बाहर में सेक इनवर्स है, तो इसको किस प्रकार हम लोग यहाँ पर सेक के फॉर्म में लाएंगे, जिससे इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिल करके इस सेक इनवर्स और सेक को कैंसल आउट कर देगी। तो आपको इस कॉस को सेक में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है, जिसके लिए मैंने आपके सामने दो बातें रखी। इस दोनों बातों मतलब इस दोनों के हेल्प से इसको हमेशा करेंगे। तो कॉस को सेक में कन्वर्ट करना, तो क्या कर सकते भैया जी, तो एक ट्रायंगल का, एक बहुत ही प्यारे ट्रायंगल का निर्माण किया जाएगा। उस प्यारे से ट्रायंगल का निर्माण करने पर हम ये देखेंगे कि कॉस का मतलब क्या होता, लाल कक्का में कॉस का बीच वाले का क्या मतलब था, लाल कक्का मतलब ये वाला था, हाँ जी आधार बटे कर्ण। तो कॉस क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा मेरा होता आधार बटे कर्ण। ये तो समझ रहे होगे आप बिल्कुल सही, लेकिन अब यहां पर आपको क्या समझना क्या समझना क्या समझना, अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस पे नहीं आएंगे, यहाँ आप फंस सकते हो, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे। आप लोग इसको ध्यान में रखना, इस दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, यहाँ पर और भी एड फॉर्मूला होगा जो कि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, अभी यहीं पे आप छोड़ सकते हो ठीक, लेकिन हाँ इस दोनों फॉर्मूले को आप लिख लो और इसको अच्छे से याद कर लो। हाँ जी अभी हम लोग ज्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे, पहले बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो बेसिक से लेके चलेंगे, जब हार्ड पे हार्ड क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं इस दोनों फॉर्मूले को फिर से यूज करूंगा, मैंने एक्स्ट्रा अभी बता दिया कि आपको वहां पर भी ध्यान रहेगा। पहला चीज ये कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो है आधार स्क्वायर, लंब बराबर लाल कक्का, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये कोशेक वाला, हाँ जी ये कोशेक वाला था, साइन ठीक बन जाएगा। देखो यहाँ पर इसको बना लिया होगा आपने बिल्कुल सही, ये आपसे बना ही होगा, बनना ही चाहिए। अंदर में माइनस है भैया जी, इस पत्थर दिल को पहले बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकालो, तो माइनस कॉसेक इनवर्स 1/sin x। अब देखो करोगे तो करोगे क्या, अब यहां पर क्या करोगे, ये कॉसेक इनवर्स में है ये, अरे भैया जी ये क्या हो रहा, ये 1/sin x है, इसको क्या करना है, इसको कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो 1/sin x, साइन का उल्टा दोस्त क्या होता, दिमाग में लगाओगे कॉसेक होता, हाँ भैया ये बन जाएगा। मतलब यहाँ पर पहला हम फॉर्मूला यूज किए, ऊपर पहला फॉर्मूला यूज किए, माइनस को बाहर निकाले, तो कॉसेक था कॉसेक इनवर्स -x, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स x, अरे क्या लिख रहे हैं हम, कॉस लिख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स x, हाँ जी ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिखते चलेंगे ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस 1/sin x को कन्वर्ट कर रहे हैं उल्टे दोस्त में, तो 1/sin x अपने उल्टे दोस्त के फॉर्म में आ जाएगा, हाँ जी उल्टा रोप, तो sin x का उल्टा cosec x, ये फॉर्मूला भर भर के याद किया, 1/sin x इक्वल टू cosec x, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा cosec x, हाँ जी अब देखो ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक कैंसल आउट, तो यहाँ -x हो जाएगा, वाह ये सिंप्लीफाई होता। और कुछ क्वेश्चन बचा था ना, हाँ भैया कुछ क्वेश्चन और बचा था, लेकिन वो बताने से पहले आप मुझे ये बताओगे
भैया हम का बता दें आपको, जो पूछेगा वो बता देंगे। आप मुझे ये बताओगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? हल्दी हल्दी होता है अच्छा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है जी? हल्दी हल्दी से हाँ जी, क्या था हम लोग का क्वेश्चन? ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता? तो देख रहे हैं हम सीधे दोस्त के अंतर्गत आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मतलब ये पाई बाय टू होता। ये प्रूफ आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं और ध्यान में भी रखना है। चलो हम लोग कहाँ पे थे, उस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे ढंग से कंप्लीट करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो तो भैया, अगर सेक इनवर्स माइनस वन बटे कॉस एक्स है, हाँ कॉस एक्स, चलो इसको बनाया जाए। तो आप बोलोगे भैया ये अंदर में माइनस भैया है, इस माइनस भैया को पहले बाहर निकालना होगा, तो इसको आप बनाओ, पहले बनेगा आपसे, खुद बनाओगे ना तब मैं मानूंगा हाँ भैया अब बनने लगा। ऐसा नहीं मैं बता दिया फिर वैसा ही क्वेश्चन में दूंगा, आप बनाओगे भैया बन गया, इससे हेल्प नहीं मिलेगा आपको। आप अपने दिमाग को खुद यूज करो, मैं चाहता अपने से बनाओ। हल्दी हल्दी ला 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 ला, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रहा है, कोई बात नहीं लेकिन आपको बनाना है। चलिए जी, इस ये बन गया होगा आपसे, हाँ बन गया होगा। अब देखो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन मन में सोचना कि ये अपवाद में आ रहा क्या, सेक अपवाद में होता कि नहीं होता? हाँ भैया कॉस सेक कॉट अपवाद में होता, तो यहाँ आगे में पाई लग जाएगा, ये तो हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए। कौन सा फॉर्मूला है? सेक इनवर्स माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। हाँ जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सेक इनवर्स एक्स है, यहाँ पर सेक नहीं है, कैसे करोगे क्या नहीं करोगे? भैया जी ये क्या कह रहे हैं, यहाँ वन बटे कॉस एक्स तो है ना, और वन बटे कॉस एक्स किसके बराबर होता है? तो कॉस का उल्टा कौन है? सेक है, तो सेक एक्स के बराबर तो होता, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब अब क्या होगा, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स अगेन, यहाँ वन बटे कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब मेरा हो गया क्या होगा कि वन बटे कॉस एक्स को किस प्रकार लिखेंगे, ये सब चीज आप अब समझ चुके हो, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, ये सेक एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक आपस में कैंसल आउट, बचेगा सिर्फ एक्स, यही आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा प्यारा आंसर आया, मन कर रहा है इसको जो है। चलिए अगेन यहाँ देखिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, ये माइनस दीवार थी, दीवार बाहर आ गई, तो माइनस पहले कर लियो ना, अगर पहले कर लियो याद रखना आगे दिक्कत कभी ना आएगा, अगर आप मेरा देख करके फिर आप छापोगे बहुत ही दिक्कत आएगा, इतना दिक्कत आएगा, इतना दिक्कत होगा, और ये मुंडे आपने सोची ना होगी। चलो यहाँ ध्यान दो, इस माइनस को बाहर निकालें और मन में ये दोहराना है, बार बार दोहराते चलना है, भैया जी क्या ये मेरा अपवाद में आ रहा? ना 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 ना, अपवाद में नहीं आ रहा, तो पाए नहीं लगाएंगे। अब वन बटे साइन एक्स कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, सारे फॉर्मूले को लिखोगे आप, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर वन बटे साइन एक्स तो कोसेक एक्स। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, जितना याद तुझे रहेगा फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट, बचेगा सिर्फ एक्स, तो माइनस एक्स ये आंसर रहा, इसको बनाएंगे हम लोग। हाँ जी इसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ टेन इनवर्स, लेकिन यहाँ फिर से माइनस आ गया, माइनस भैया क्यों आ जाते हो बार बार? हाँ शादी देखी नहीं कि आप आ जाते हो मुझे भोज खाने, माइनस को बाहर निकालो, माइनस भैया को बाहर निकाला जाए, यहाँ बच गया वन बटे कॉट एक्स।
हाँ जी, क्या ये टेन अपवाद में आ रहा? नहीं आ रहा, हटा इसको। वन बटे कॉट एक्स, सारे फॉर्मूले को यहाँ लिखोगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले को यहाँ लिखना है आपको। अब वन बटे कॉट एक्स फॉर्मूला क्या होता भैया? वन बटे कॉट एक्स का फॉर्मूला टेन एक्स होता है, ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स बन गया। हाँ जी हाँ जी भैया, बन गया बन गया बन गया, बहुत ही मजा है। आप एक क्वेश्चन का जवाब दोगे जल्दी जल्दी, क्वेश्चन का जवाब देना है, इसमें कोई कतोही नहीं करना है। कोसेक वन बटे एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? कोसेक इनवर्स वन बटे एक्स, जल्दी से हल्दी हल्दी, कोसेक इनवर्स वन बटे एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? ला 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 ला, कोसेक इनवर्स वन बटे एक्स, हल्दी हल्दी से बताया जाए, बताना है आपको, बताना है आपको, बताइए आप जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए आप, चल बताइए कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स वन बटे एक्स का फॉर्मूला क्या होता भैया जी? साइन इनवर्स एक्स होता ना। इस सब चीज को ध्यान में रखना, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जी। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको पहले आप बना बना लिया आपने? हाँ जी, बन गया होगा आपसे। अब यहाँ ध्यान दो, पहले इसको देखते हैं, यहाँ अंदर में क्या है? माइनस है। बनाए हो कि नहीं बनाए हो? कि चल रहा है गाड़ी, चलने दो ना, कान मतलब मग्न है अपने पढ़ाई में। भैया क्या बोल रहे हैं सुनने में नहीं आ रहा, वो काम नहीं करना, पहले आपको खुद से ट्राई करना है भाई। एक बड़े भाई की सलाह है, सुन लो ध्यान पूर्वक, जितना क्वेश्चन में कह रहा बनाने के लिए ना, जरूर बनाना खुद से और देखना बनता है कि नहीं बनता। जब नहीं बनेगा और जब मैं सिखाऊंगा, जरूर एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा और आपके अंदर खुद से बनाने की जो एबिलिटी है वो आएगी। क्योंकि एग्जाम जो है छपने वाला नहीं आएगा, जो किताब में वही छाप दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता वहां पर, यही एबिलिटी आपका हेल्प करेगा भैया। ठीक है, यहाँ पर आओ, क्या है? माइनस को बाहर निकालना, तो माइनस को निकालते बाहर, ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन मन में ये दोहरी चल रहा होगा विचार आपका, क्या करे माइनस को तो बाहर निकाल लिए, या अपवाद में आ रहा क्या? भैया अपवाद में तो नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर ये तो हो गया, अपवाद में नहीं आया तो यहाँ पाए नहीं लगेगा। माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब सोचो ये साइन एक्स है, जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर लिखते, चलो मैं लिखूंगा तब आप लिखोगे, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा भी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा है? साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा, जगह नहीं है जो मैं नीचे लिख रहा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर साइन एक्स किसके बराबर होता? साइन को अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट करना है, सीधे दोस्त में कॉस में कन्वर्ट करना, तो एक्स को पाई बाय टू में घटाएंगे, इस एक्स को पाई बाय टू में घटाएंगे, जिससे साइन अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या हुआ? कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। हाँ जी, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए, बहुत अच्छी बात है। माइनस का माइनस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब इस वन बटे कॉसेक एक्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले क्या भैया? उल्टा दोस्त है, फॉर्मूला क्या होता? वन बटे कॉसेक एक्स फॉर्मूला होता है क्या आपका? साइन एक्स। तो ये साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया, माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसल आउट, बचा सिर्फ ये, क्या बचा? पाई बाय टू माइनस एक्स। हाँ जी, अगेन यहाँ पर माइनस का माइनस, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसल आउट, बचा सिर्फ एक्स, ये अच्छा जाए, यहाँ है भी, यहाँ माइनस का माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस एक्स। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? ना 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 ना, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा ना? माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता, इस पाई बाय टू का माइनस पाई बाय टू, इस माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया, चिन्ह चेंज, माइनस से जब आगे में मल्टीप्लाई रहेगा तो यहाँ माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स, मतलब प्लस एक्स,
अगर -2 +2 रहता ये आपस में कैंसिल हो जाता है, सेम वही फंडा, यहाँ -x यहाँ +x ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -π/2। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। अच्छा मुझे ये बताओगे भैया, पूछिए तो सही, जो पूछिएगा वो बताऊंगा मैं। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, मतलब सेक π/6 इसका वैल्यू क्या होगा, हल्दी हल्दी बताया जाए, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। आप वो बताओ, तब तक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का सी जलाता हूँ। 10 क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स लाके अभी के अभी दिखाने, पूरे के पूरे 8 मार्क्स लाने। हाँ जी, इसमें तो कोई समस्याएं नहीं होंगी आपको, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ला 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 ला। आपका दिमाग वहां चल रहा होगा, यहाँ मेरा दिमाग चल रहा है। सारा सारा तब तक डिग्री मान याद करो, हम इसको छाप लेते हैं। कहाँ से छापेंगे भैया जी, आप अपने दिमाग से छापिए, तब तक हम इधर कर लेते। जो सॉल्व नहीं होगा तो छोड़ देना, ध्यान में रखना। वैसे मैं वैसा क्वेश्चन देना नहीं चाहता, ठीक। अब गलती से चले गया तो कोई बात नहीं, आप घबराना मत। सेक है सेक कॉस साइन कॉस 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 आगे में 2 से मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं कि कुछ समझना, ठीक है। सॉल्व करना है सिर्फ, इसको सॉल्व करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हाँ जी, ये 10 क्वेश्चन आपके सामने है। 10ों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक ध्यान से आपको बनाना है। 10ों का 10ों सही होना चाहिए। बनेगा आपको, बनेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपसे बनेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपसे बनना ही चाहिए। चलिए इसको बना के पहले दिखाई, यहीं तक आपको स्टॉप ले लेना है जी, और आपको पहले बना के दिखाना है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, ये बन जाएगा। पहले मेरे सामने कॉपी लाना है, आपको दिखाना है कितना सही हुआ कितना गलती हुआ, मैं देखूंगा फिर आगे मैं बताऊंगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, सेक 30 डिग्री का और कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता, जल्दी से बताएगा। कोसेक 0 और सेक 30, हल्दी हल्दी बताया जाए, कोई चापलूसी नहीं चलेगी जी। मंदिर में भगवान राम दुलारी, तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान। देखो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये सबको पता है। क्या सबको पता है भैया, ये सबको पता है क्या होगी। हम लोग जानते कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता, जानते हो ना, √3/2, कॉस का उल्टा सेक तो 2/√3, कॉसेक 0 डिग्री, तो साइन 0 वैल्यू क्या होता भैया, साइन 0 वैल्यू 0 होता, तो कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, ये सब ध्यान में रखो। चलो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे अब टेन भैया के पास आएंगे, जो आपका बहुत ज्यादा गलती हुआ था। हाँ जी भैया, टेन वाला तो मेरा क्या कहूँ मैं, ये तो आपका बहुत ज्यादा गलती हो रहा था और हम लोग इसी को सीखेंगे। हाँ जी, इसी को हम लोग सीखने वाले हैं, उसके अंदर है गलतर में। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ध्यान पूर्वक आपको ध्यान देना है जी। ला 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 ला, ये वो घड़ी आ गई है जो हम लोग पिछले यादों को फिर से दोबारा जिंदा करने वाले हैं। इसी का उपयोग यहाँ पर होगा और बड़े प्यार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व करो इसको। मैंने कहा था ना, कुछ पाने के लिए कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। खोना नहीं होता, आपको खोना नहीं है कुछ, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। चलिए बन जाए, बन गया होगा आपसे, बना भी नहीं होगा कम से कम ट्राई तो हुआ होगा आपसे। हाँ भैया, हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम कोशिश किए हैं। जब आप कोशिश करोगे ना, आपकी वहीं पर जीत हो जाएगी, आप हारोगे नहीं, भले ही गलती क्यों ना बन जाए। आपने मेहनत किया है, कोशिश किया है, तो वही आपकी जीत है भाई। ठीक, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या करना हमको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। हम तो बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ के रिटायरमेंट ले लिए इस फॉर्मूले से कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता, क्या होता टेन इनवर्स वाई। हम जानते टेन इनवर्स, इस दोनों को जोड़ना है, x प्लस वाई बटे 1 - x इंटू वाई। काफ़ी सीखे, काफ़ी बनाए, मतलब पहले इस पर भर भर के क्वेश्चन बनाए हुए। टेन इनवर्स कॉमन ले लिए, टेन इनवर्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जुट जाएगा, क्यों यहाँ प्लस है, 1/2 + 2/3 बटे 1 - इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 और 2/3 का मल्टीप्लाई हो गया। जो बचेरा बच्चा अकेला जाओ मेला खाओ खेला। चलिए जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पर आपका गलती हुआ था इस टर्म को सॉल्व करने में। मैंने देखा आपका कॉपी, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का एलसीएम तो आपका सही हो रहा था, 2 + 3 + 3 × 4, ये तो आपका सही था ऊपर में। ऊपर में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं हो रहा था। आपको गलती कहाँ हो रहा था, नीचे में गलती हो रहा था। 1 - ये भिन्न का जोड़ था, इसको देखो किस प्रकार सॉल्व करते। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना में क्या होता, अगर ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो बटे के ऊपर 1 है, कुछ नहीं करना है, बटे के ऊपर 2 है, क्या बटे के नीचे कहीं पर 2 से सिंप्लीफाई होगा,
तो बटे के ऊपर दो और यहाँ बटे के नीचे भी दो, तो ये दोनों आपस में सिंपलीफाई हो गया, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया 1/3। इसको इस तरह का इनका गुना और देखते, 4/7 गुना 7/9। देखो बटे के ऊपर 4 है, क्या कोई है जो बटे के नीचे ऐसा जो 4 से कट सकता हो? तो भैया 7 और 9 है, मतलब 4 से नहीं कटेगा, मतलब कुछ कट जाए, सिंप्लीफाई हो जस्ट लाइक ये 4/10 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बटे के ऊपर 4 है और बटे को नीचे 10, तो 4 और 10 आपस में किस पहाड़े से कटेगा, तो 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका मतलब 2/5 होता। अगर इस तरह ले 2/7 गुना 1/10, बटे के ऊपर 4 है बटे के नीचे 10 है, ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कट गया। अब बटे के ऊपर कौन कौन है, 2 है और 1, 2 गुना 1, बटे के नीचे कौन कौन है, 7 है और 5 है, 7 गुना 5। इस प्रकार हम लोग करते 2/7 = 35 करते, इस प्रकार सेम वही फंडा यहाँ पर, बटे के ऊपर 4 है, क्या बटे के नीचे कहीं पर 4 से सिंप्लीफाई होगा? तो ना 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 नहीं होने वाला। फिर ये देखते हैं बटे के ऊपर 7 है, क्या कोई है जो 7 का 7 दे सकता? हाँ जी सर, बटे के ऊपर 7 है तो बटे के नीचे भी तो 7 है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, और इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, 1 बार में कटा, 7 1 7 1 7, इधर भी आप 7 का 7। यहाँ ध्यान दो, अब तो कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब बड़का बटे रहना, जितना भी ऊपर में है सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, 4 × 1, जितना भी नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना और मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर 4/9। अगर आपको दिक्कत होता है इस तरह डिटेल से बनाओगे, अगर दिक्कत नहीं होता डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके बनाओगे, लेकिन आपको दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, अगर यहाँ 1 माइनस रहता तो क्या करते भैया, 1 माइनस रहता कोई नहीं, यहाँ 1 माइनस करते, यहाँ पर 1 माइनस करते, यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता, 1 के पहाड़े में 9, 9 बार में आता, 9 का मल्टीप्लाई 1 बार, 9 का पहाड़ा 1 बार 9 होता, ऊपर पे माइनस 9 के पहाड़े में 9 1 बार में आता, 1 का पहाड़ा 4 बार 4 होता, 9 में 4 गया 5, 5/9 यही आंसर होता। अगर यहाँ पर 1 होता भैया क्या करते, 1 माइनस, कुछ नहीं, सब जगह इस तरह होता 1 माइनस 1 माइनस, लेकिन यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है, 35 1 के पहाड़े में 35 35 बार में, तो यहाँ 35 − 35 के पहाड़े में 35, 1 बार में 1 का पहाड़ा 2 बार 2, मतलब 33/35 ये आंसर हो गया। कितना आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरे सब सॉल्व हो जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं क्या होगा। हाँ जी यही देखो आप, बटी के ऊपर 1 नहीं, कुछ किसी से सिंप्लीफाई नहीं करना, बटी के ऊपर 2, क्या बटी के नीचे ऐसा कोई है जो 2 से सिंप्लीफाई हो सकता? भैया नीचे में देखते 2 है और 3 है, 2 हो सकता, तो ऊपर में 2 नीचे में 2, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 1 और 3 का मल्टीप्लाई। देखो मैं आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूं, तो आपको घबराना नहीं है जी। टेन इनवर्स 4 × 3 = 7/6 बड़का बटे। अब देखो 1 − 1/3, अब इसको सॉल्व करना, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ, तो टेन इनवर्स 7/6 ऊपर पे है, नीचे में क्या है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 1 के बारे में 3 3 बार में 3 का पहाड़ा 1 बार 3, माइनस 3 के बारे में 3 1 बार 1 का पहाड़ा 1 बार 1। सॉल्यूशन करना ही सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए, कोई बात नहीं। टेन इनवर्स, अरे अरे एक चीज छूट ही रहा है, कॉड इनवर्स को क्यों छोड़ रहे हो, प्यारे से भाई को ना छोड़ो जी, वो बुरा मान जाएगा ना, वो बुरा मान जाएगा, फिर कौन बचाएगा आपको, इसको साथ लेके चलो, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। देखो ऊपर में 7/6 है, नीचे में 3 में 1 या 2, 2/3, या माइनस कॉट इनवर्स 1/2। हाँ जी अक्षर का तो मैंने क्या से क्या कर दिया। कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स, भैया जी
यहाँ पर 7/6 और 2/3, 7/6 भागा क्या हो गया, 2/3 हो गया, बटे को भाग में चेंज कर लिए। हाँ जी, यहाँ पर माइनस चल रहा था, कॉट इनवर्स 1/2 चल रहा था। हाँ जी, अब देखो टेन इनवर्स ये गुना में चेंज होगा, सिंप्लीफाई, बटे के ऊपर 7 है, नीचे 7 से कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बटे के ऊपर 2 है, नीचे 6 और 3 है, तो ये 6/2 से सिंप्लीफाई हो रहा था, सिंप्लीफाई हो रहा है ना, 2 1 जा 2 3 जा, हो तो गया। फिर टेन इनवर्स 7 गुना 1 7, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको भी सीखना होगा डायरेक्ट, 2 3 गुना 3 डायरेक्ट क्या है, गुना करना है आपको, 3 गुना 3 ना, हो गया। अब माइनस कॉट इनवर्स 1/2, अब आप सोचोगे भैया करे तो करें क्या, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गया, यहाँ पर टेन इनवर्स 7/9 है और माइनस कॉट इनवर्स 1/2 है, यहाँ तक आप आ गए हो। हाँ जी, चलिए मेरा यहाँ तक काम हो गया, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगा, अब हम इधर मिटा डालते हैं, ठीक है जी, इधर मिटा डालते हैं, अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज, हम लोग यहाँ तक में कोई तकलीफ, यहाँ तक हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ ना किया, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, टेन इनवर्स 7/9 माइनस कॉट इनवर्स 2/1/2 सॉरी। अब यहां देखो, यहां पर 7/9 है और 1/2 है, ये टेन इनवर्स और यहाँ कॉट इनवर्स, अब करें तो करें क्या भैया, आप फॉर्मूला सिखाए हो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आपने सिखाया हुआ है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, इस तरह का हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर भैया कॉट इनवर्स यहाँ पर आ गया, करें तो करें क्या, तो आपको सोचना, क्या सोचना भैया जी, आपको ये सोचना कि कॉट, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले यहाँ आपको ट्रायंगल बना लेना है, पहला काम ट्रायंगल बन गया, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, हम वहां पर रिवीजन किए थे, इसको किसी भी साइन एंगल में चेंज करने के लिए, कोसाइन में कॉस सेक कॉट कोसेक जितना भी है, कॉस है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसमें चेंज करने के लिए जो है हम लोग इस ट्रायंगल का सहारा लेते हैं, बस कुछ भी रहे, कॉट को हमको टेन में चेंज करना है, इसका सहारा लेने में, चाहे आपको कुछ मिले कि ना मिले, इससे आपका बनेगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स अंदर में है और 1/2 अंदर में है, तो हम लोग जानते, इसको देखो सिर्फ कॉट इनवर्स 1/2, हमको इसको चेंज करना ना। हाँ जी, कॉट मतलब क्या होता, लाल कर्व का, लाल कर्व का, ये साइन का फंडा दोस्त था, ये कॉस का दोस्त था, ये टेन का दोस्त था, यहाँ कॉट है मतलब टेन और टेन और कॉट ये आपस में रहेगा, उल्टा दोस्त है ना, इसमें कॉस और सेक आपस में रहेगा और साइन और कॉस सेक आपस में रहेगा। हाँ भैया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, तो यहाँ पर कॉट है मतलब क्या होगा, अगर लंब बटे आधार कहेंगे, समझो लंब बटे आधार, एल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार कहेंगे तो वो किसका हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कहेंगे, तो वो हमारा जो है कॉट थीटा का हो जाएगा। यहाँ पर कॉट है, इसका मतलब ये आधार बटे लंब, अंदर वाला कौन है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट है ना, तो आधार बटे लंब ध्यान में रखना, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, यहां मैं लिख देता हूं, चल कॉट के लिए कॉट थीटा, आधार क्या है 1 है, लंब क्या है 2 है, तो आधार इसमें ये है, लंब ये है, तो ये निकालो ऊपर वाला, लेकिन एक बात हमको टेन निकाला ना, टेन थीटा के लिए क्या होता भाई, टेन थीटा के लिए क्या होता है, टेन थीटा के लिए हमको लंब बटे आधार करना होता है, तो लंब बटे आधार कर देंगे, कोई तकलीफ कोई समस्या, ना 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 ना, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं है, तो यहां से लंब बटे आधार हुआ, तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है,
भैया इसमें तो ये लंब है, ये आधार है, लंब यहाँ 2 हो गया, 2/1, तो ये लंब आ गया। इसका मतलब हुआ, समझना समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग cot इनवर्स 1/2 ये लिखे थे, जैसे ही इसको चेंज करके, अंदर वाले को चेंज करके 2/1 लाएंगे, अब क्या होगा, अभी था ये आधार बटे लंब, अब ये लंब बटे आधार हो गया, मतलब ये tan में चेंज हो गया, किसमें, tan इनवर्स में चेंज हो गया। समझ में आया, दिमाग के ऊपर ऊपर से एक बार फिर से सोच, कोशिश करो समझने का, फिर से देखो, समझना है। यहाँ पर cot इनवर्स 1/2 था, ठीक, cot हम लोग जानते हैं, cot का मतलब ही होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, ये ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया, कोई दिक्कत, ये आधार एक लंब, ये मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा है, ये आधार 1 मेरा आधार हो गया, 2 मेरा लंब हो गया, हाँ भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसको tan में चेंज करना, इसको हमको tan इनवर्स में चेंज करना, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, इसमें लंब है 2, आधार है 1, चेंज हो गया, समझ रहे हो, एक बार फिर से समझो, समझना है, जितना देर लग जाए, 5 बार क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन आपको समझना है। यहाँ cot इनवर्स 1/2 था, cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार मेरा 1 हो गया, लंब मेरा 2 हो गया, हाँ जी, आधार बटे लंब, इस cot को जो है tan में चेंज करना, tan इनवर्स, हाँ जी, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, अब लंब कौन हो गया, लंब है 2, इस तरह बना लेना, इसे हटाओ, आपको दिक्कत हो, हटा इसको, हटाइए इसे, डायरेक्ट दिमाग में सोचो, दिमाग में कैसे चल रहा है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है, उस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना बस, ठीक, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, अब लंब कौन है 2, आधार कौन है 1, तो 1 बन गया, समझ रहे हो, समझ में आया, एक लास्ट बार फिर से देखो, cot इनवर्स 1/2, cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, ट्रायंगल बना ली, ट्रायंगल आधार ये 1 है, लंब 2, मतलब cot का मतलब होता आधार बटे लंब, आधार 1 लंब 2, इसको tan में चेंज करना, तो tan इनवर्स, tan का मतलब क्या होता, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा क्या है 2 है, 2, आधार क्या है 1, 2/1, बस, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको ध्यान में रखना, इस लाल काका को याद करके तब बनाओगे, तब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत, नहीं 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 भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस पहले था, माइनस यहाँ लगा दिए, एक और मेथड है वो मैं बताऊंगा, ठीक, चलो एक इसे हल्का मेथड है, तो हल्का मेथड अभी मैं रखा हूँ पास में, लास्ट में बताऊंगा, अगर आप इसको नहीं सीखोगे फिर आगे दिक्कत होगा ना, इसको सीखना बेहद जरूरी है। चलो यहाँ पर tan इनवर्स 10/9 माइनस tan इनवर्स 2/1, तो दोनों में क्या है, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू y, मतलब इस दोनों को क्या करना है, घटाना है, फिर 1 प्लस x इंटू y कर देना, ठीक है, देखते tan इनवर्स, इस दोनों को घटाएंगे पहले 7/9 को और 2/1 को घटा दिए, बटे 1 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत, ना 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 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो मेरा पार है, 9 से भाग 9 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 7, माइनस 1 पारे में 9, 9 बार में 9 का मल्टीप्लाई 2 बार, 18, अगेन 1 प्लस, देखो ऊपर नीचे कोई कट रहा, सिंप्लीफाई, 7 है ऊपर पे, नीचे में कोई 9 है और 1 है, नहीं कटेगा, इधर 2 है, नीचे में 9 और 1 है, नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14, 9 × 1 = 9, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो tan इनवर्स, अब देखो 18 में 7 घटा, भैया 18 में 7 कैसे होगा, तो माइनस 11/9, कोई दिक्कत नहीं, आगे यहाँ पर फिर से नीचे 1 छिपा हुआ है,
एक और नौ का एलसीएम नौ ले लिए, एक के बारे में नौ नौ बार में आया, नौ का मल्टीप्लाई एक बार नाइन प्लस नाइन के बारे में नाइन एक बार में, एक का मल्टीप्लाई चौदह बार तो चौदह। अब देखो मजा तो आएगा ही, टेन इनवर्स माइनस ग्यारह बटे नौ चार तेरह तेईस बटे नौ। अब देखो मजा आ रहा है ना, एक दो बार बनाने सीख जाओ फिर मैं इससे भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको। चल ये बटेला भाग में चेंज हो जाता है, तो माइनस ग्यारह बटे नौ भागा तेईस बटे नौ, इसको गुना में चेंज करेंगे ये पलट जाएगा नौ बटे तेईस, ये नौ नौ कैंसिल, माइनस ग्यारह बटे तेईस निकल गया, टेन इनवर्स माइनस ग्यारह बटे तेईस यही आंसर है। अरे इसको और सॉल्व करना है कर लो, टेन इनवर्स माइनस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस टेन इनवर्स ग्यारह बटे तेईस। चलो बन गया, कोई तकलीफ कोई समस्या? ना 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 ना, ना कोई समस्या नहीं है। इससे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता, वो क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा तो लॉन्ग में पूछते हैं, इसे लॉन्ग में हल्का वाला पूछा है, बनाते हैं 2022 का एक क्वेश्चन, देखो आप बनाओ मजा आएगा बनाने में आपको। 2022 में पूछा लेकिन इससे हल्का ही पूछा, कोई बात नहीं हल्का पूछा तो क्या दिक्कत है, गलत किया ये चीज है ही नहीं, ये नहीं करना होगा आपको, बाकी सब काम करना होगा। चलो एक क्वेश्चन ध्यान से बनाना है, इसको इसको मिटाओ, पहले आप खुद से ट्राई करोगे ठीक है, आप पहले खुद से ट्राई करो, मैं जो बोल रहा हूं ना वो काम करना है। टेन इनवर्स टू बाय फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय ट्वेल्व इक्वल टू पाई बाय फोर, ये प्रूफ करना है। टू बाय फाइव वन बाय थ्री और 1 बाय 12 पाई बाय 4 प्रूफ करना है, और कुछ है? ना 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 और कुछ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। चल हाँ जी इसको बना लेना है आपको। बन जाएगा आपसे, कोई तकलीफ नहीं होने वाला इसे, इस दोनों को साथ लोग एक बार, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस दोनों को सॉल्व करके क्या होगा, tan इनवर्स इस दोनों का ऐड करना है, टू बाय फाइव प्लस वन बाय थ्री बटे वन माइनस टू बाय फाइव इंटू वन बाय थ्री, इसको सॉल्व करेंगे प्लस, फिर ये लिख लेंगे टेन इनवर्स, बनाना पड़ेगा क्या, बनाता हूँ। इस एल एच एस को सॉल्व करेंगे और पर प्रूफ करना है सॉल्यूशन, एल एच एस बराबर क्या होगा, पहले उसको लिखो टेन इनवर्स टू बाय फाइव प्लस, पहले आप खुद बनाओगे ठीक है, तब आगे देखना है, वरना ऐसा नहीं है बनाना क्या है, भैया थोड़े देखेंगे, भैया तो देखेंगे ही देखेंगे। टेन इनवर्स अब क्या करना है, इस दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी टू बाय फाइव प्लस वन बाय थ्री बटे वन माइनस टू बाय फाइव मल्टीप्लाई वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय बारह, देखो ये सॉल्व करना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते डायरेक्ट है ठीक है, तो पांच तीन पंद्रह पंद्रह तीन दुनी छ प्लस तीन पचे पांच पंद्रह हो गया, पांच तीन पंद्रह पंद्रह माइनस दो बटे पंद्रह ये कैंसिल ये कैंसिल, सौ पाँच ग्यारह बटे पंद्रह में दो गया तेरह, ग्यारह बटे तेरह ठीक है, ग्यारह बटे तेरह इसको लिख सकते हैं, ग्यारह बटे तेरह टेन इनवर्स ग्यारह बटे तेरह, इसे आप मत करना आपको सॉल्व करना है ठीक है जी, प्लस
टेन इनवर्स 1/12। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, टेन इनवर्स क्या है 11/13 है ना। हाँ जी, इस दोनों को फिर ऐड करो, फॉर्मूला है और क्या है, फिर 1 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। इतना बनाए हो ना इस पे, इतना भर भर के क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको तकलीफ ना होने वाला। इसको सॉल्व करते हैं रफ में, क्या हो जाएगा 11 गुना 12 गुना 13 13 गुना 12 एलसीएम हुआ 13 12 गुना 11 12 32 से प्लस 12 13 13 तो ठीक है बटे 13 गुना 12 56 माइनस 11 3 2 5 3 1 4 145/5 4 145 एक। अरे कट के एक आ गया, ये क्या हो रहा है, कट के एक आ गया। चलो अच्छी बात है, 10 इनवर्स 1। ठीक है जी, और एक का वैल्यू ध्यान समझना, इस एक का वैल्यू 10 के फॉर्म में क्या होता। अब आप बोले भैया करे तो करे क्या, यहाँ पर यहाँ तो एक आ गया, ऐसा हम लोग करे हुए हैं। इस एक का वैल्यू 10 के फॉर्म में क्या होता भैया, 10 के फॉर्म में मुझे पता है 10π/4 का मतलब होता है एक। इस एक के जगह पे लिख सकते हैं 10π/4। हाँ जी, 10π/4 का मतलब होता है, यहाँ लिख दो बगल में 10π/4 बराबर एक होता है, इसलिए एक के जगह पर 10π/4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, बचा 5/4। प्रूफ हुआ RHS के बराबर RHS। कितना अच्छा क्वेश्चन था, उससे भी हल्का ये क्वेश्चन निकला। बता और क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन बैंक से, इससे ही इससे इसके हल्का इसे भारी मिलता तब ना। एक है साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक है कॉस इनवर्स के फॉर्म में, सबको जो है चेंज करके बनाना है आपको, कौन से मेथड से, ट्रायंगल वाले मेथड से। चलो बना ही देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, दीर्घ उत्तरीय का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, इतना हल्का बता। देखो 5 नंबर में पूछ दिया गया 2022 में, ये तो गलत किया गया आपके साथ, इतना हल्का नहीं पूछना चाहिए। चलो रहने दो, इतना हल्का हल्का कोई बात नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसा मैं कराता क्वेश्चन बैंक से, और भर भर के नंबर आपको लेने हैं। बन गया होगा, पहले आपको बनाना, उसके बाद मेरी सुननी। हाँ जी, चलो लाग 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 लाग। क्या है अब, क्या है, क्या है अब, 2012 2011 शॉर्ट क्वेश्चन करते, फिर इस पर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे हल्का है, शॉर्ट क्वेश्चन में मजा आएगा। 2012 का देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ 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 जी हाँ, तो 12 का 2012 में पूछा गया, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है जी, हमको ये प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू π/2, कुछ ऐसा होता, ये हमको प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको बनाया जाए आपको, ठीक। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना और π/2 के बराबर आना है। ये तो आपका और आसान हो गया, आपको पहले से पता है मेरा आंसर π/2 आने वाला है, वरना तो हमको पता भी नहीं रहता आंसर क्या आने वाला, लेकिन आपको पहले से यहाँ पता है कि π/2 हमको प्रूफ करना है। तो क्या करें, हम लोग LHS को लेंगे, LHS ले लिए, क्या है cos inverse 3/5। इतना हलवा हलवा सवाल आपके एग्जाम में पूछता, इससे भारी भारी पूछना चाहिए कि बच्चा देखे तो बनाने पाए। 63/65। हाँ जी, अब यहाँ कॉस के फॉर्म में आ गया, अल्ले अब क्या कर ले, हम तो आपको कॉस का फॉर्मूला नहीं बताए। हाँ जी, हाँ 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 जी हाँ, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस का मतलब क्या होता, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा और क्या होता है, आधार, अरे रुक जा, आधार बटे कर्ण मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, आधार हो गया,
नीचे वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ऊपर वाला आधार, नीचे वाला का आधार क्या है, ये आधार तीन हो गया, ये आधार है, ये कर्ण क्या है, पांच है, कर्ण यहाँ है ना, कर्ण हो गया पांच। अब लंब निकालना है हमको। हाँ जी, फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। कॉस इनवर्स के फॉर्म में ये दिया हुआ था हमको, ठीक है। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब जो अंदर में रहेगा ये ऊपर वाला आधार होगा, नीचे वाला कर्ण होगा। तो आधार मेरा हो गया तीन, कर्ण हो गया पांच, लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब हम रफ में निकाल लेंगे। तो ये लंब क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला यहाँ देखे, लंब बराबर इस कर्ण के स्क्वायर में, कर्ण के स्क्वायर में अगर आधार के स्क्वायर को घटा डालेंगे तो मेरा जो है लंब निकल जाएगा। तो 25 माइनस 9 मतलब रूट अंडर 16, 4 निकल गया लंब। ये लंब मेरा कितना हो गया, 4 हो गया लंब। कोई दिक्कत, लंब कितना हो गया, 4। अब चलो समझना है, इस कॉस इनवर्स को हमको टेन में कन्वर्ट करना है। लेकिन टेन में क्या होता भैया, इस बात को पूरा कंसंट्रेट लाओ। कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण था। चित्र को देखो, मैं इस चित्र को यहाँ पे ही बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है। कॉस का मतलब क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, मतलब 3/5 आपका कॉस में आया। इसको हमको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, 4, आधार क्या है, 3। तो टेन इनवर्स 4/3। जैसे ही टेन में चेंज होगा तो वो अपने फॉर्मूले में आ जाएगा। समझ रहे हो, फिर से समझो, मैं इसको 5 बार बोलूंगा आपके सामने, आपके दिमाग में ये बात आनी ही चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक। याद है, एक और तरीका है, अभी हम लोग सिर्फ इसे देखेंगे, कल उस तरीके पे आएंगे। यहाँ ध्यान दो। हाँ जी, देखें चले। हाँ, अब देखो क्या था, कॉस का मतलब होता आधार बटे कर्ण, ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण, तो आधार और कर्ण दे दिए। फिर हमको इस कॉस को टेन इनवर्स में चेंज करना था, लेकिन टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, टेन मतलब टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, ये सब ध्यान में रखना होगा कि कॉस बराबर क्या होता, साइन बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण साइन बराबर, ये सब तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो समस्याएं आएंगी, अगर ये समझ में आ गया है तो समस्याएं नहीं आएंगी। और ये सब क्लास 10th का चीज़ है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा और क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा और अभी आप पढ़ रहे हो ये सब चीज़। मैं क्या कहूँ, नहीं समझ रहे हो तो अभी समझ जाओ। देखो, पहले की गई गलतियों को अभी सुधारा जा सकता, लेकिन आप सोचो कि समय बहुत है, मेरे पास समय इतना है भर भर के समय नहीं है आपके पास। क्यों, ये सितंबर महीना चल रहा, अब अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी में एग्जाम है आपका। फरवरी को छोड़ ही दो, अक्टूबर और नवंबर भर भर के आपका जो है फेस्टिवल भरा हुआ है, दुर्गा पूजा, दिवाली, काली पूजा, भर भर के इसके अंदर भरा हुआ है। और नया नया क्या, आपका जो है क्रिकेट भी इसके अंदर स्टार्ट हो गया है। क्या, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। हाँ जी, एक भाई के नाते कह रहा हूँ, आप जो है इस अक्टूबर और नवंबर इस 2 महीने में जो है नहीं कुछ तो आप इंडिया के सारे मैच देखोगे, मतलब सारे मैच देखोगे इंडिया के। बिल्कुल, आप तो मैच देखते ही हो। जब देखोगे तो अक्टूबर नवंबर आपका दुर्गा पूजा, काली पूजा, आपका दिवाली, ये सब आपका अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ख़त्म कर देगा। बचेगा सिर्फ दिसंबर और जनवरी। क्या क्या पढ़ोगे 2 महीने, बहुत ही कम समय है आपके पास। और आप अगर सोच रहे हो मतलब नॉर्मल स्पीड से चलते रहेंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। अगर मैंने जिम्मेदारी उठाई तो आपको भी अपना 100% देना होगा। अगर आप 100% अपना नहीं दोगे तो कैसे कंप्लीट होगा सर जी, बातों को समझना है। चलिए, हम कहाँ पर, हम लोग देख रहे थे कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार मेरा 3 हो गया और कर्ण मेरा 5 हो गया।
इसको टेन इनवर्स में चेंज किए, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब निकाल लिए चार, आधार है मेरे पास तीन, तो चार बटे तीन में चेंज कर लिए। सेम सबको उसी तरह चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी चेंज करें, ये बारह मेरा क्या है आधार, ये तेरह क्या है मेरा कर्ण। अब क्या हम जैसे इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, हमको लंब चाहिए, लंब चाहिए तो लंब निकालना होगा, तो कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटाएंगे, फिर एक फिगर बनाओगे आप, तीन चार फिगर यहाँ पर बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप बनाओगे, ठीक है, आप यहीं पर फिगर बनाते चलोगे, ठीक। इसको मिटा दूं, मिटा नहीं देता, ला 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 चलिए जी, फिर से इसके लिए फिगर यहाँ बनेगा, फिगर सबके लिए बगल में बनाना है। हाँ जी, तो क्या है बारह तेरह, बारह आधार हो गया, तेरह कर्ण हो गया, लंब निकालना, लंब क्या हो जाएगा भैया जी, लंब मेरा इस तेरह का स्क्वायर और इस बारह का स्क्वायर में घटा डालना, तो कितना हो गया तेरह तेरे उनहत्तर से बरबरे चौवाल से आपका हो गया पाँच दो पच्चीस, पाँच निकल गया, अरे भैया जी मतलब पाँच मेरा लंब निकल गया, तो कॉस इनवर्स मेरा बारह बटे तेरह था, इस कॉस को टेन में चेंज करेंगे, लंब बटे आधार होगा, पाँच बटे बारह हो गया, बातें समझ में आई। हाँ जी, इसके लिए मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, देखो फिर से समझो, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बारह कर्ण तेरा, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज किए तो यहाँ पर भी चेंज होगा, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब मेरा पाँच हो गया, आधार मेरा बारह हो गया, बस इस ट्रायंगल के हेल्प से यहाँ पर कर लेना है आपको, ठीक है, कोई समस्याएं कोई परेशानी नहीं, चलो बहुत आसान है। फिर एक और ट्रायंगल बनाओगे, अगर जगह नहीं है नीचे बनाओगे, यहाँ पर एक लाइन, इतना सारा जगह तो आपके पास होगा, कहीं पर बना लेना, मैं यहाँ बना। अब देखो तिरसठ पैंसठ, इसको भी आप सॉल्व करोगे और टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, जब ये टेन इनवर्स में सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इस तरह का इससे जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके हेल्प से इसको सॉल्व करके आपको मुझे दिखाना है, ठीक है, इतना सा पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। इस पे तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, इसी कारण थोड़ा स्लोली स्लोली, और एक बात ध्यान में रखना, आपकी क्या स्थिति रह गई, आपने स्थिति को देख लो, हम लोग 2 सितंबर को स्टार्ट किए पढ़ना और अभी तक में आप सिर्फ और सिर्फ, आज तारीख शायद 23 तारीख है क्या, मतलब 22 दिन हो गया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 क्लास ही अटेंड किए, इसको देख करके हमको नहीं लगता आप पूरा क्लास कंप्लीट कर पाओगे, अभी भी समय है आपके पास, हर दिन अगर अपने आप वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करोगे ना, तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, वरना आप भूल जाओ कि आपका होने वाला है, ठीक है, चलो जैसा होगा देखा जाएगा, आप इसको कंप्लीट करो, रखते हैं।